हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी वाइंस। आई होप आप सेफ होंगे, खुश होंगे। आज ये वीडियो एक क्यू एंड ए बेस्ड है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं कमेंट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड कोफोर्स को लेकर, कि ये कोफोर्स में ये होता है कि नहीं, वो होता है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर अप करने वाली हूं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटा कि हाँ, ये कोफोर्स में होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है कि कोफोर्स में नोटिस पीरियड कितने का है। अभी रिसेंटली कोफोर्स में नोटिस पीरियड 90 डेज का है, बिफोर द कोविड 60 डेज था। सेकंड क्वेश्चन, बहुत लोगों ने ये पूछा कि नोटिस पीरियड में सैलरी मिलती है या नहीं। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट था जब मैंने रिजाइन दिया था, और आप लोग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर कर लेती हूँ। जो मेरी पिछली कंपनी थी, मतलब कोफोर्स से पहले जो एक कंपनी थी, वहाँ में भी 90 डेज नोटिस पीरियड था। एंड जब मैंने वहाँ पे रिजाइन दिया था, तो मुझे 2 मंथ की सैलरी प्रॉपर मंथली बेस पे आई, और जो लास्ट मंथ की सैलरी है वो मेरी होल्ड हो गई। और वो सैलरी जो मेरे लास्ट वर्किंग डे थे, उससे ठीक 45 डेज में, विदिन 45 डेज में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है उसमें मिल गई थी। तो जब मैंने सोचा कि अब मुझे रिजाइन देना है और मुझे जॉब स्विच करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और रिजाइन दे दिया। उसके पहले भी बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो वो होगा। सो वैसे ही मेरे मन में ये भी था कि 90 डेज का नोटिस पीरियड है फर्स्ट। दूसरा है कि अगर 3 मंथ की सैलरी नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली एज अ फैमिली घर भी चलाना होता है। तो बहुत लोगों ने बोला कि 3 मंथ की सैलरी नहीं आती है। जो लोगों ने बोला, मैंने वही, मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद नहीं आती है एमएनसी में। सो मैंने पहले अपना बैकअप रेडी किया, एंड देन मैंने रिजाइन दिया कि अगर बाय गॉड ग्रेस सब कुछ उल्टा होता है, तो एटलीस्ट मेरे पास बैकअप रहेगा। बट कोफोर्स में कुछ अलग ही हुआ कि जब मैंने रिजाइन दिया, तो आई जस्ट थॉट कि अब सैलरी नहीं आएगी, बट नोटिस पीरियड में सैलरी आपकी रुकती नहीं है, तो ये आपको सैलरी मिलती है रिजाइन रेजिग्नेशन पीरियड्स में भी। सो इसके भी 2 conditions है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका लास्ट वर्किंग डे एंड ऑफ द मंथ लाइक 30 या 31 है, तो आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को आ जाएगी, बिकॉज कोफोर्स की सैलरी रिलीज होती है 1 तारीख को, मंथ के 1 तारीख को रिलीज होती है। सो अगर आपका लास्ट वर्किंग डे 30 या 31 है, तो आपको 31 जो भी होगा नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख होगा, उसमें आपकी सैलरी मिल जाएगी। थर्ड मंथ की बात कर रही हूँ, 2 मंथ तो प्रॉपर मिल ही रही है। बट अगर आपके लास्ट वर्किंग डे मिड ऑफ द मंथ है, लाइक मेरा जो लास्ट वर्किंग डे था 14th January था, सो 31 December तक तो प्रॉपर मेरी सैलरी आई, मतलब 1 जनवरी को 31 December की जो दिसंबर की सैलरी आई 1 जनवरी को, ठीक है। अब 14 January मेरा लास्ट वर्किंग था, तो आई जस्ट थॉट कि 31 जो जैन है मेरा, उससे मुझे वो 14 डेज की सैलरी मिल जाएगी, पर वो मुझे नहीं मिली। वो मुझे मिली जो मेरे लास्ट वर्किंग डे था 14 January, उससे अगर मैं 45 डेज कैलकुलेट करती हूँ, तो मुझे फेब के लास्ट वीक तक मुझे वो थर्ड मंथ की सैलरी, जो 14 डेज की सैलरी है, वो आ गई थी। सो कोफोर्स में नोटिस पीरियड में आपकी सैलरी नहीं रुकती है, और लास्ट मंथ की सैलरी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन आपको मिलती है, बट फर्स्ट 2 मंथ की सैलरी आपकी नहीं रुकती है। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कि जो लोग बहुत सोच रहे हैं कि अगर रिजाइन दे दिया तो सैलरी रुकती है कि नहीं रुकती है कोफोर्स में। सो ये रहा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों ने ये पूछा कि कोफोर्स में बायआउट का ऑप्शन है या नहीं। मेरे पास स्टोरी बहुत है, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है। तो इसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने ये सोचा कि मुझे जॉब स्विच करनी है, तो मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी IBM में। इसकी भी एक बहुत अच्छी, मतलब लाइक यू नो, ये सब एक्सपीरियंस जो मुझे आपको बताना है, बिकॉज जब मैं ये सर्च कर रही, तो मुझे नहीं मिला आंसर। तो आई जस्ट थॉट कि ये आपको पता होना चाहिए। तो जब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी IBM से, बट इट वॉज गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सैलरी वाइज सब कुछ अच्छा था। बट दिक्कत ये थी कि उनको इमीडिएट में चाहिए था, 15 डेज में उनको चाहिए था कि मैं ज्वाइन कर लूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दे आर रेडी कि बायआउट के लिए भी रेडी थे। सो उन्होंने ये मुझे IBM वालों ने कहा था कि आप अपने मैनेजर से बात करो कि बायआउट के लिए रेडी है, तो फिर हम अपना प्रोसेस चालू करें। सो तब तो हाँ बोल दिया कि ठीक है, मैं पूछती हूँ। बट वी नो दैट कि मैनेजर से डायरेक्ट हम बात कर नहीं सकते। क्या हुआ? से हाय टू एवरीवन। मेरा
हाय करो, हाय करो, हाय। ओके हाय पीपल, उनके थोड़े नाम पड़ी उनका बैच होते। ओके चलो। सो फिर आईबीएम में उन्होंने बोला कि मैनेजर से बात करो आई बाय आउट के लिए, तो तब मैंने हाँ बोल दिया। बट हम स्टूपिड नहीं है कि हम मैनेजर से बात करें, पता चला वो भी बाय आउट के लिए एग्री भी नहीं है, और उनको पता चल जाए कि मैं जॉब भी स्विच कर रही हूँ, तो मेरा ही पंगा है। तो जो लोग 5-6 साल से कोफोर्श में काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया बाय आउट का ऑप्शन नहीं है कोफोर्श में। एंड फिर उसके बाद मैंने एक मेरी फ्रेंड है जो अभी भी एचआर है कोफोर्श में, मैंने उनसे बात की, उनसे कंफर्म किया, तो यस बाय आउट का ऑप्शन नहीं है कोफोर्श में। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन लाइक आपकी फैमिली में बहुत कुछ इशूज आ गए हैं या आपके हेल्थ इशूज आ गए जो हुआ है मेरे सामने, तो रेयर केस में उस केस में बाय आउट हो सकता है, बट आपको यू हैव टू गिव सम पेनाल्टी। सो वो वाला केस एक्सेप्टेबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मैनेजर टू मैनेजर, बट यस बाय आउट का ऑप्शन कोफोर्श में नहीं है। सॉरी छोटे बच्चे हैं तो यही सब तो होगा ही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि कोफोर्श में प्रोजेक्ट कैसा है। कोफोर्श में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एयरलाइंस डोमेन है, इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट है, सीटा के हैं, बैंकिंग के हैं, बहुत सारे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट की कमी नहीं होगी, यू विल गेट गुड गुड प्रोजेक्ट ओवर देयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रेशर्स के लिए क्या कोफोर्श अच्छा है। यस फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है कोफोर्श, आपको सीखने को मिलता है बिकॉज आप कॉलेज से आते हो डायरेक्टली, तो कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और कंपनी में जो ट्रेनिंग दी जाती है दोनों अलग होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ लर्निंग फेज है आप लोग का और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल एक्सपीरियंस वालों का कि उन लोगों के लिए कोफोर्श अच्छा है या नहीं। मिडल लेवल एक्सपीरियंस वालों के लिए लाइक 3-4 years के एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आप कभी किसी कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन का अपॉर्चुनिटी मिला तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑटोमेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको ऑटोमेशन में कर रहे हो यहाँ भी, बट फ्रेमवर्क डिफरेंट है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और डिपेंड्स वहाँ पे किसी और कंपनी में अपने कोई और डोमेन में काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको दूसरा डोमेन में काम कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है, डिपेंड्स आपको आप किस तरह का काम कर रहे हो। सो यस मिडल लेवल जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो 3-4 years का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन लोगों के लिए भी कोफोर्श बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हाई लेवल जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपके लिए कंपनी तब अच्छा है जब आपको पैसा मिले। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोफोर्श में और आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप जितना पैसा मांग सकते हो स्टार्टिंग में मांग लो, क्योंकि उसके बाद मे बी अगर आपका इंक्रीमेंट ना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं ये बात कर रही हूँ उन लोगों के जो उनकी एक्सपीरियंस लेवल 8, 9, 10 ज़्यादा जो है, 8 के बाद जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं 8, 9, 10, तो उन लोगों के लिए है कि आप जितना पैसा मांग सकते हो इनिशियल स्टेज में तो आप मांग लो, क्योंकि इंक्रीमेंट पे के भरोसे मत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा है कि क्या कोफोर्श में इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी है कोफोर्श में। अगर इसमें भी एक चीज़ है, मैंने नहीं लिया था इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने बाहर से लेकर रखा था। सो उसमें कंडीशन है अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है आपने बाहर से लेकर रखा है तो लेने की जरूरत नहीं है, और आपको वो फोर्स भी नहीं करते कि आपको लेना ही, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर नहीं है तो आपको लेना ही पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है कि अगर आप बोलते हो कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, ठीक है हमने ऑलरेडी लेके रखा है बाहर से, तो वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं। मुझसे भी मांगा गया था, तो सब डिटेल्स मांगे तो आपको देना पड़ता है फॉर प्रूफ के लिए कि यस यू नीड अ पॉलिसी और नॉट। सो उस चीज के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, क्या कोफोर्श में ऑन साइड अपॉर्चुनिटी है। यस कोफोर्श में ऑन साइड अपॉर्चुनिटी है, बट डिपेंड्स ऑन डोमेन। अगर आप एयरलाइंस डोमेन से हो तो यस आपको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी बहुत है, अगर आप इंश्योरेंस में हो तो नहीं है, और अगर बाकी बैंकिंग में हो तो सब शायद पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट यस डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वही रूल्स फॉलो होते हैं कोफोर्श में। नाउ 8th क्वेश्चन ये पूछा गया था किसी ने कि क्रच फैसिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल मदर्स और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने कोफोर्स ज्वाइन ही किया था जस्ट बिकॉज ऑफ क्रच है, क्योंकि मेरी बेबी तब 1.5 साल की थी जब मैंने ज्वाइन किया था कोफोर्स,
तो यस, जो भी न्यू मॉम्स है, जो ऑलरेडी मदर्स है जिनके बच्चे 2-3 साल के हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कोफोर्ज। कोफोर्ज मॉम्स के लिए बहुत अच्छा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं। यस, कोफोर्ज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है, बट इसमें एक दो सिचुएशन है। अगर आप जनरल शिफ्ट में 9 to 5 में है तो पेड ट्रांसपोर्ट है, और अगर आप शिफ्ट में काम करो चाहे 11 to 10 हो या 11 to 8 हो, 2 to 10 हो, तो आपको फ्री कैब दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच पीरियड कितने का है। जब आप ज्वाइन करते हो कंपनी तो कोफोर्ज में ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 मंथ का बेंच पीरियड मिलता है। उस 6 मंथ में आपको एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू देनी पड़ती है और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट अलोकेट होता है। कुछ लोग डायरेक्ट हायरिंग होती है प्रोजेक्ट के लिए, कुछ लोग होता है कि नॉर्मल हायर हो रहा है, उसके बाद आप बेंच पे जाओगे, फिर प्रोजेक्ट का नॉर्मल एक इंटरव्यू होता है। सो जो बेंच पीरियड है कोफोर्ज में वो 6 मंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज के बाद बेंच का पीरियड कितना होता है। रिलीज इन द सेंस, अगर आप प्रोजेक्ट से रिलीज ले चुके हो या आपको प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है तो आप बेंच में आते हो। सो तब आप बेंच में कितने महीने तक रह सकते हो। पहले तो मैंने सुना था 6 महीने, हाँ 6 मंथ सुना था, बट अभी 3 मंथ का हो चुका है। अदर अभी एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, बट अभी 3 मंथ है, तो 3 मंथ आपके पास अपॉर्चुनिटी या तो कोई प्रोजेक्ट ले लो या फिर स्विच कर लो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सैलरी इंक्रीमेंट कैसा है कोफोर्ज का। पहले तो बिफोर द कोविड बहुत अच्छा था, अब अच्छा नहीं है। तो अगर मैं आपसे सजेस्ट करूंगी, अगर आपको कोफोर्ज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब करने का, सो प्लीज़ आप जितना हो सके उतना पैसे मांग लो, बट उन पे डिपेंड मत होना कि जब ज्वाइन के बाद आपको रोज आपको हर साल अच्छे इंक्रीमेंट हो। और अगर आप इंक्रीमेंट नहीं चाहते हो और आपको सिर्फ काम जरूरत है तो फिर ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है, काम तो हर जगह ही होता है। एंड यस, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि जब आप बेंच में रहते हो, जब ज्वाइनिंग के बाद आप जब बेंच में जाते हो तो तब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज होते हैं, राइट। और उसमें बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं कि अब एक इंटरव्यू देकर आए, 3 राउंड कंप्लीट करके हमने ज्वाइन कर लिया, अब प्रोजेक्ट इंटरव्यू में आए हैं, एंड अगर प्रोजेक्ट इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए तो क्या लोग मुझे निकाल देंगे, फिर मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल एक इंटरव्यू होता है, बहुत ईजी पैटर्न होता है। जब भी आपको प्रोजेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो प्रॉपर मेल आता है आपको कि इस प्रोजेक्ट में इस चीज़ का इंटरव्यू है, या मैनुअल टेस्टिंग या फिर डेवलपिंग कोडिंग का, और आपको एक बेसिक इंटरव्यू पूछते हैं, बेसिक एकदम बेसिक पोर्शन पूछते हैं। एंड अगर आप सेलेक्ट नहीं होते उस प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इन किसी किसी कुछ कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरव्यू भी नहीं लेते, डायरेक्ट हायर कर लेते हैं, बेंच से ही ले लेते कि तुम आ जाओ। और कुछ ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि इंटरव्यू जरूरी है तो वो आपका लेते हैं, बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन ये आता है कि रैंप अप और रैंप डाउन क्या होता है, बिकॉज मैंने ये बार बार एक बार पिछले वीडियो में ये नाम लिया था, रैंप अप एंड रैंप डाउन। रैंप अप का मतलब होता है न्यू रिसोर्स हायर करना प्रोजेक्ट पे, एंड रैंप डाउन का मतलब होता है प्रोजेक्ट से रिलीज कर देना, प्रोजेक्ट या फिर होल्ड हो गया या टर्मिनेट हो गया, उस रीजन से अब प्रोजेक्ट तो नहीं है तो बाकी लोग को अब प्रोजेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो उनको करते हैं उसको ही बोलते हैं रैंप डाउन। सो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं और आपको आइडिया मिल चुका है कोफोर्ज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड बहुत सारे कमेंट जरूर करें।